ये जो बोर्ड पे लिखा हुआ दिख रहा है आपको, क्या लिखा मैंने? पोषण। कौओं में पोषण कैसा होगा? विषमपोषी होते हैं। हरे हरे कार्बनिक पदार्थों से अपना पोषण प्राप्त करते हैं। ज्यादातर प्रकृति में ये कैसे होते हैं? परजीवी या मृतोपजीवी, कभी कभी ये सहजीवी रूप से देखे जाते हैं। अभी हमने बात करी लाइकेन और माइक्रोलाइकेन, ठीक है। अब देखो, अब विषमपोषी पोषण हो रहा है तो ये दो तरह का होता है, एक तो परजीवी और दूसरा लिखा हमने मृतोपजीवी। ये आपको जानकारी है। अब देखो, जो ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है या जनरली भी ये टर्म आपको याद होना चाहिए, पूर्ण परजीवी और अपूर्ण परजीवी, इनके एक एक और नाम है। पूर्ण परजीवी या लिखा मैंने अनिवार्य परजीवी, इसका मतलब क्या होता है? अब परजीवी है, जैसे इनको जीवित रहने के लिए इनके पोषक जीव की आवश्यकता है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई विषय सब्जेक्ट, या उसको छोड़ो, जैसे मलेरिया का परजीवी, हम सामान्य बात कर लेते हैं, मलेरिया का परजीवी मनुष्य के अंदर जीवित रहता है, मनुष्य और मच्छर दो मिलेंगे तो ही वो अपना जीवन चक्र पूरा कर पाएगा, नहीं तो वो मर जाएगा। ये है, यानी जैसे आप कोई विशेष सब्जेक्ट बायोलॉजी की बात कर लो, आप मेरे से पढ़ रहे हो, मैं पढ़ा रही हूँ, अब ऐसा तो है ही नहीं मेरा यहाँ से ट्रांसफर हो गया तो क्या बायोलॉजी पढ़ना छोड़ दोगे? नहीं, कोई और आएगा और वो पढ़ाएगा। यही दो शब्द है कि पूर्ण परजीवी मतलब जब एक जीव पूरी तरीके से अपने पोषक जीव के ऊपर निर्भर रहता है। पोषक जीव खत्म हो गया मतलब ये जीव भी क्या होंगे? समाप्त हो जाएंगे, सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। ये कहलाता है पूर्ण परजीविता या अनिवार्य परजीविता। जबकि अपूर्ण या वैकल्पिक में पोषक जीव है तो ठीक है, उससे पोषण लेते रहेंगे, वो नहीं है तो दूसरे से भी अपना पोषण प्राप्त कर लेंगे। समझ रहे हो दोनों टर्म क्या है? ये आपके आगे कॉलेज में भी काम आएगी, ठीक। अब यहाँ पर जो आपको याद रखना है ये है मुख्य इनके उदाहरण। ये पूर्ण परजीवी का उदाहरण वैक्सीनिया और सिस्टोपस। इनको यदि इनका होस्ट पौधा गेहूँ मिलेगा या जो भी इनका होस्ट पौधा है तो ही ये जीवित रहेंगे, अन्यथा ये क्या होंगे? मर जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। जबकि ऑस्टिलेगो पाइथियम फ्यूजेरियम ऐसी फंगस है कि यदि इनका पोषक पौधा पोषक जीव जीवित नहीं है या इनको नहीं मिल रहा है तो भी ये किसी और से भी अपना पोषण प्राप्त कर लेंगे और सर्वाइव कर जाएंगे। क्लियर है? इसके बाद आगे देखो अगला लिखा हमने, ये भी दो तरह के होंगे, पूर्ण मृतोपजीवी और अपूर्ण मृतोपजीवी। यहाँ आपको सिर्फ ये ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखना है, इसलिए ये चीज बताई जा रही है आपको। अब पूर्ण मृतोपजीवी में क्या हो जाएगा? मशरूम, एस्परजिलस और पेनिसिलियम, ठीक है। और अपूर्ण में क्या हो गया? ट्रेफाइना। ये याद